दोस्तों ये V7 प्लस मॉडल है, इसका प्रॉब्लम है नॉट चार्जिंग का। देखिए इसका चार्जिंग लगाने से देखिए चार्ज नहीं लेता है। देखिए चार्जिंग पिन खराब हो सकता है, उसको डिसेंबलिंग करेगा। वीवो V7 प्लस मॉडल है, देखिए चार्जिंग नहीं लिया है, अभी उसको डिसेंबलिंग करेगा। देखिए वीवो V7 प्लस मॉडल है, ये चार्जिंग नहीं लिया है। देखिए फटाफट उसको डिसेंबलिंग कर लेता हूँ। उसका साइड में दो स्क्रू है, देखिए दोस्तों वीवो V7 प्लस है, उसका बैक पैनल खुल लिया है, अभी इसको फिंगर खुलेगा। देखिए उसका बैक पैनल भी खुल लिया है, अभी इसका चार्जिंग पिन देखेगा। चार्जिंग पिन बराबर ही है लेकिन चार्जिंग नहीं लेता है, उसको भी खुल लेगा। उसके बाद देखेगा उसका करंट कितना आया है, थोड़ा क्लीन कर लेगा। देखिए दोस्तों चार्जिंग पिन ऑलमोस्ट ठीक ही है लेकिन चार्ज नहीं लेता है। पहले उसको पूरा क्लीन करेगा, उसके बाद उसका करंट देखेगा कितना करंट आया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। Thank you.
मैं मालती की मीटर की मदद से उसको कारण देखता हूँ। देखिए इसका चार्जिंग पिन ओके है, क्लीन करके देख लिया, नहीं हुआ है। देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, चार्जिंग पिन में 5 वोल्ट आ रहा है, कैपेसिटर में नहीं पहुंचा है। उसको एक जम्पर की मदद से उसको कैपेसिटर में दे देगा तब ये चार्जिंग ले लेगा। देखिए पिन में पूरा 5 वोल्ट आया है लेकिन कैपेसिटर में नहीं आया है। उसको एक जम्पर मारने से हो जाएगा। देखिए कैपेसिटर में कैपेसिटर शॉर्ट भी नहीं है। चार्जिंग पिन पॉजिटिव से कैपेसिटर पॉजिटिव में एक जम्पर देने से ये चार्जिंग ले लेगा। देखिए इसमें पिन में 5 वोल्ट आया है लेकिन पत्ता में नहीं गया है, कारण इसलिए चार्जिंग नहीं लिया है। मैं एक जम्पर कर देता हूँ। चार्जिंग पिन पॉजिटिव से कैपेसिटर पॉजिटिव में एक जम्पर करने से भी हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी दे सकता है। इसमें पॉइंट दिया गया है, मार्टिन डार्ट की मदद से देखना पड़ेगा कहाँ देना है। मैं डायरेक्ट कैपेसिटर पॉजिटिव सिरा से चार्जिंग पिन पॉजिटिव सिरा में जम्पर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, 100% वर्किंग करेगा। देखिए दोस्तों मैं जम्पर कट दिया, अभी इसका कारण देखता हूँ। बैटरी पॉइंट में देखिए दोस्तों 4. समथिंग वोल्टेज आ गया, मतलब ये पहले नहीं आया था, अभी आ गया है। अभी ये 100% चार्ज ले लेगा। देखिए दोस्तों चार्जिंग लिया है, इंडिकेटर आ गया है, मतलब ये चार्जिंग लेगा। पहले चार्जिंग नहीं आया था, इसमें ट्रैक कट हो गया है इसीलिए नहीं आया था। अभी इसको असेंबलिंग कर देगा, 100% वर्किंग करता है दोस्तों।
दोस्तों देखिए मैं अभी उसको असेंबलिंग भी कर दिया है। अभी इसको चार्जिंग लगा के देखता हूँ लास्ट में। देखिए दोस्तों चार्जिंग लिया है, पहले लिया नहीं था। वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।